अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़िया अब्बास और आप देख रहे हैं बाय लो एंड सेल हाई। आज हमारे एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी मोहम्मद यूनिस असन से, जो कि एक इन्वेस्टर हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, जो कि दुनिया के कम से कम 4-5 कंट्रीज़ में उनकी इन्वेस्टमेंट है और कनाडा में उनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, कतर बेस्ड हैं। उनसे बहुत बातचीत होगी, डिफरेंसेस का पता लगेगा। उसके बाद हम जाएंगे अपने सेकंड गेस्ट की तरफ, जो कि एजाज हुसैन साहब होंगे। बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज, ओवर 45-50 ईयर्स का एक्सपीरियंस रियल इस्टेट में, तो उनसे बैठ के हम बातचीत करेंगे। और इन दोनों गेस्ट के अलावा मैं ख़ुद आपके सामने कुछ जो सवालात मेरी तरफ़ आए हैं ईमेल की सूरत में, टेलीफोन्स की सूरत में, मैं चाहूँगा कि उसे इन राइटिंग ज़रा बोर्ड पे मैं आपको समझाऊँ। तो एज़ यूजुअल हमारे जो एपिसोड्स में 3 गेस्ट होते हैं, अनफॉर्चुनेटली आज सिर्फ 2 होंगे क्योंकि मुझे आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो जस्ट स्टे विद मी। स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मेरी तरफ हमेशा आता है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ रियल इस्टेट, इन पर्टिकुलर रियल इस्टेट में कॉन्डो फ्यूचर क्या है और लो राइज हाउसेस के क्या फ्यूचर हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ रियल इस्टेट इन टोरंटो, अब इसमें डेफिनेटली कॉन्डो भी है और कॉन्डो के अलावा जो है वो लो राइज भी है। देखें, इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं होगा। जवाब इसलिए नहीं होगा कि अगर मैं थोड़ा सा आपको मैप में समझाऊं, देखें टोरंटो है क्या, आप नीचे देखेंगे तो दिस इज वाटर, ठीक है, ये है लेक ऑफ ऑन्टेरियो, अब अगर आपका टोटल डाउनटाउन एरिया आप देखेंगे, ठीक है, ये सीएन टावर है, डाउनटाउन एरिया आपका 3 किलोमीटर के रेडियस पे है अप्रॉक्स, ठीक है। अब इसके बाजू में क्या है, अगर आप यहाँ आएंगे तो ये आपका इटोबिको है, इसके बाजू में आप आएंगे तो ओकविल है, ओकविल के आप ऊपर जाएंगे तो ये आपका ऑलमोस्ट मिल्टन है, मिल्टन के इस तरफ आप मिसिसागा में है, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका ब्रैम्पटन है, ब्रैम्पटन के साथ आप आएंगे तो आपको वॉन मिलेगा, वॉन के साथ आप आएंगे तो आपको रिचमंड हिल मिलेगा, और रिचमंड हिल के बाजू में अगर आप जाएंगे तो मार्कम, और अगर आप नीचे इस पोर्शन को देखेंगे तो आपका ये पूरा नॉर्थ यॉर्क है, और नॉर्थ यॉर्क के इस पूरे बाजू में देखेंगे तो स्कारबरो है। अब स्कारबरो के अगर आप डाउनटाउन के ईस्ट में आएंगे तो ये आपका जो है ना ईस्ट यॉर्क, ये इसको बीचेस भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका पूरा पोर्शन इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये आपका डरहम रीजन है, जिसमें आपका पिकरिंग, एजैक्स, आशुवा सब है। अब अगर जो ये क्वेश्चन आपका आया है ये थ्रू आउट यहाँ आया, अगर आप कभी भी देखें आपके जो रिटर्न परसेंटेज जो होते हैं, यानी कि पर ईयर पर मंथ, वो एक एवरेज होता है जी 5%, 5.6%, लेकिन उसमें वो बताते हैं कि हाई एंड पे 8.3% है, 9% है, लो एंड पे 3.2%, 2.5% है। तो इसमें अगर आप देखें तो हर प्रोडक्ट, अब इसमें जहाँ तक कि जितना रियल इस्टेट को मैं समझता हूँ, देखें सर्टन पॉकेट्स, अब ओकविल देखें द मोस्ट एक्सपेंसिव, अब आप आ जाएं यहाँ वॉन की तरफ आ जाएं, फिर आप रिचमंड हिल की तरफ आ जाएं, फिर आप मार्कम चले जाएं, ठीक है, नॉर्थ यॉर्क के सर्टन पॉकेट्स है, मिसिसागा को देखें, मिसिसागा से कौन मूव होके इस वक्त मिल्टन जा रहे हैं, ठीक, तो बहुत से ऐसे सवालात हैं। तो रियल इस्टेट को आप एक जर्नल आंसर नहीं दे सकते कि क्या फ्यूचर है। कॉन्डोमिनियम की एग्जाम्पल देता हूँ, जो आपका 3 किलोमीटर रेडियस डाउनटाउन में है वो अपटाउन में नहीं है, वो ब्रैम्पटन डाउनटाउन में नहीं है, वो स्क्वायर वन में नहीं है, वो स्कारबरो में नहीं है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर 100% रियल स्टेट है तो उसमें सर्टन परसेंटेजेस होते हैं, क्रीम कहाँ है, टॉप 1% कहाँ है, टॉप 10% कहाँ है, लीस्ट 10% कहाँ है,
यही वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को हमेशा सेफ रखती है। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी इन्वेस्ट करें इसको ओवरऑल ना देखें, आप ये देखें कि किस पॉकेट में, इवन अगर वॉन की हम बात करें तो उसमें भी एक छोटा सा पॉकेट होगा, अगर मिसागी की बात करें एक छोटा सा पॉकेट होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करें कि रियल स्टेट की जो डेप्थ है वो कहाँ पर है, कहाँ पर एग्जैक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा ये ज़रूर मैं आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करूँ। यहाँ से हम चलते हैं एक क्विक ब्रेक की तरफ, जस्ट स्टे विद मी। Tribute Communities creates dream homes. What makes your Tribute special? My Tribute. It's a hip urban address that really says me. My Tribute. A new home where nature and design live in harmony. My Tribute. A place where growing up is fun. Where the best days of our lives come together. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years. ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. Remember, mortgage financing is just like a puzzle. The difference is you won't get a second chance to solve it. Choose the right broker. Call me for initial consultation. Work, play, love. Life comes together when you find your way home. Come home to Toronto's new urban living at King & Strawn. Featuring condos, townhomes, shops, parks and more. Get to the point at garrisonpoint.ca. For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto. When you buy through Baker, you know you've bought the best. नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद यूनुस हसन के साथ। इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके पास प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट 5 to 6 डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। तो इनसे हम ज़रा पूछेंगे कि इनका अपना कॉन्फिडेंस किन कंट्रीज़ में या किन प्रॉपर्टीज़ पे, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा है जो इन्होंने किया है। अस्सलाम वालेकुम यूनुस, कैसे हैं? वालेकुम सलाम ज़िया भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एक बड़ा क्विक एंड सिंपल क्वेश्चन मैं सबसे पहले पूछूंगा आपसे। आपका माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट अगर देखें 5-6 डिफरेंट कंट्रीज़ में है, तो जब कभी आप रिलैक्स होकर पीछे बैठते हैं, आराम से सोचते हैं, कंफर्ट जोन किस प्रॉपर्टी पे ज़्यादा आती है? आप क्या समझते हैं कि मतलब कौन सी आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है जिस पे आप बहुत प्राउड भी फील करते हैं, कंफर्टेबल भी हैं? तो वो ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ अगर शेयर करें। ज़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे चांस दिया यहाँ पे आके बोलने के लिए। जो आपने सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है। वेल, कैनाडा यू नो के यहाँ का रियल इस्टेट जो मार्केट है, इट इज़ वेल नोन एंड इट हैज़ ए सिस्टम कि हर चीज़ जो है ना सिस्टमेटिकल है यहाँ पे। और बिल्कुल मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ कनाडा में, बिकॉज कि यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है जी। एक ये है, और दूसरी बात ये है कि हर चीज़ का एक सिस्टम है, और यहाँ का जो माशाल्लाह जो टीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ है एक टीम है, वो टीम आर वेरी केयरिंग, यू नो दे मेक श्योर कि आपका हर चीज़ जो है प्रॉपर जा रहा हो, ऑन टाइम फैशन मिल जा रहा हो। सो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ जो कह रहे हैं, वेल देयर इज़ नथिंग लाइक कनाडा, स्पेशली इन टोरंटो, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो फोकस है वो अच्छे इन्वेस्टमेंट लेने के अलावा इस चीज़ पर भी हमेशा होता है कि कहीं कोई बिल्डर ना भागे, कोई मेरा पैसा जो है ना डूबे, या कई कल कोई उसके ऊपर आके जो है ना उसको फोफिट ना करें या उसको कब्ज़ा ना करें उस पर। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ में भी एग्जिस्ट करती है। डेफिनेटली ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ जगह हो, आपका यू एट द एंड ऑफ द डे आप पीस ऑफ माइंड रहे आपके पास। तो उस हवाले से टोरंटो इज़ वेरी गुड, और मैं तकरीबन गुड
15 साल से यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कनाडा में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं मिला और आई ऑलवेज मेड मनी कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़। जैसे यूएई में फॉर एग्जांपल है, मेरा ठीक ठाक वहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। और जो पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट है तो जब लिया था तब का ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई ग्रोथ हुआ ना कुछ खास हुआ है। अब बेचने जाओ तो कोई प्रॉब्लम होता है। अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे कनाडा में अगर बेचना चाहूँ, वेरी इजी टू सेल इट ऑफ विद गुड आई मीन्स विद प्रॉफिट मनी। और दूसरी चीज़, जब आप कनाडा में प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो डॉलर वैल्यू में हमेशा होती है, डेप्रिसिएशन ऑफ जो है करेंसी नहीं होती है, तो ये भी तो एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान का उठा के देख लें, जो इन्वेस्ट किया था तकरीबन मैंने 6 साल पहले, उस वक्त करेंसी वहाँ तब से लेकर अब तक तकरीबन 40% का डिफरेंस आया करेंसी में ऑलरेडी। तो आप जो कह रहे हैं कि अगर प्राइस नहीं बढ़ी है तो इसका मतलब आपके एक्चुअल करेंसी के ऊपर 40% डेप्रिसिएशन है। यस, यू कैन से दिस। वाओ, तो उस हवाले से तो देखें कैनेडा इज़ द बेस्ट बेट। मुझे एक चीज़ आप ये बताएं कि जैसे मैं ख़ुद भी मिडिल ईस्ट के प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी क्लोजली वॉच करता हूँ, एंड आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट दोज प्रॉपर्टीज़। देखें, एक जैसे अब एक छोटी सी एग्जांपल दुबई की आप ले लें, ठीक है, कि वहाँ पर आपका जो डिपॉजिट है एवरी सेकेंड मंथ आपने 10% देने हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो पता लगा कि 18 महीने में आपको 100% डिपॉजिट्स कम्प्लीट करने। अब उसके ऊपर 20% रिटर्न होता है प्रॉपर्टी पे पर एनम पे, ये 30 होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ रियल रियल स्टेट मार्केट। जबकि अगर आप कनाडा में आएँ तो हम आपसे कहते हैं कि बिटवीन 15-20% ऑफ अ टोटल डिपॉजिट इन द नेक्स्ट ईयर एंड अ हाफ, और बाकी फिर ऑक्यूपेंसी पे या फाइनल क्लोजिंग पे आप दे दें। तो अब अगर यहाँ हायर एंड पे 5-7% भी अगर इंक्रीज़ रहता है, जो कि हमें पास्ट के जितने नंबर्स हैं उससे यही पता लग रहा है कि इट फ्लोट बिटवीन 5-7%, तो उस हवाले से अगर देखें तो आपका जो अपना आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो डबल फिगर पे है ना। तो एक तरफ आपकी ज़्यादा जेपिटी है, मीन्स आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, और दूसरी तरफ सच एज कैनेडियन मार्केट में बहुत लो रिस्क ले रहे हैं आप। तो इन दो मार्केट को इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट आप कैसे देखते हैं? वेल, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट अगर देखें ये कि वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूएई में कैश लिक्विडिटी आपके पास होना चाहिए इवन टू स्टार्ट ए प्रोजेक्ट, राइट। यू हैव टू हैव काफ़ी बड़ा फिगर होना चाहिए उसके लिए, और वहाँ पे जो टर्न ओवर है फॉर योर इंस्टॉलमेंट शॉर्ट टर्म है वो, सो विद इन कपल ऑफ मंथ्स यू हैव टू अरेंज 5-10% वहाँ देना पड़ता है, जो कि यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। आपको यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 5% डाउन से लेकर यू नो आप तीन विद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने 2.5 साल में 15% दिए हैं, okay। उसके बाद देन यू नो ओनली 15% के साथ यू कैन ओन इट, you know, after you can mortgage it or you can put more down payment and equity आप उसका कम कर दें। तो ऐसा लेवरेज मेरे ख्याल से कहीं और नहीं है, एटलीस्ट जहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया वहाँ पर ऐसा लेवरेज नहीं है, जो कि यहाँ पर लेवरेज हमें मिला हुआ है। परफेक्ट। आप कह रहे हैं कि आपने कैनेडा में पिछले 15 साल से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, ठीक है। 15 साल का मतलब अगर हम पीछे जाएँ तो ऑलमोस्ट 2000-2001 की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये मुझे पता है कि आपने 2014 में भी इन्वेस्टमेंट की है फॉर 2018 के लिए, ठीक है। इट मींस कि आपने अपने आप को 2000-2001 से सिक्योर किया ऑल द वे 2018-19 तक। अब तक की जो आपके प्रॉपर्टीज़ है जिसमें आपने अपने साइकिल्स कंप्लीट किए हैं, तो आप पॉजिटिव कैश फ्लो में निकले या नेगेटिव में? ज़िया भाई, जो मैंने पहला प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया था कनाडा में 2007 की बात है, वो एक सिंगल प्रोजेक्ट लिया था मैंने जो कि रेडी प्रोजेक्ट था जी। तो वो ख़रीदने के बाद मुझे मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा कि क्योंकि विद इन ए ईयर मैंने आई मेड इट 30%, उसका मुझे मिला है लक था जो भी था, आई मेड 30%। वो अमाउंट से मैंने ऑलरेडी फिर जाके दो प्रॉपर्टीज दूसरे लिए, exactly। तो वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 9 के करीब प्रोजेक्ट अभी टोरंटो में है, और सबका जो मैंने इससे पहले बेचे हैं तकरीबन मेरा अब 3 साल में 40% के लगभग वापस आया पैसा। That would be great. Yes, alhamdulillah. So in that way, I never lost a money in Canada.
आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड वेरी वेल, और जो कि ये मेरा दुबई के साथ जो इन्वेस्ट किया था उसमें नहीं हुआ। क्विकली आपसे जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जो नए इमिग्रेंट आते हैं इस कंट्री में फॉर गुड जुड़ते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, या जिन्होंने रियल स्टेट में बाइंग सेलिंग नहीं की, इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो क्विकली ब्रीफली आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल, मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि यहाँ पे रेंट से बेहतर है कि यू ओन इट, ठीक है? तो क्योंकि आप अगर रेंटल अगर आप लेते हो, अगर वहाँ पे 1400 फॉर एग्जांपल आप देते हैं रेंटल के लिए, यू कैन बाय योर हाउस विद स्मॉल डाउन पेमेंट फॉर $1200, यू कैन बाय इट, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका इक्विटी बन जाएगा, सो कॉन्फिडेंट लेवल भी आपका बढ़ेगा, यू नो यू हैव अ लिक्विडिटी इन योर हाउस, प्लस यू कैन बी एन इन्वेस्टर एट वन पॉइंट। वंडरफुल यूनुस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने इन डेप्थ नॉलेज को आपने शेयर किया हमारे व्यूवर्स के साथ। नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि यूनुस भाई ने बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की, होपफुली आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। कल का मेरा अपना एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कोई मेरे पास आए कि जी हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, मगर हिस्ट्री मैं उनको बताऊं कि वो उस रेंटल प्रॉपर्टी पे अपना बिज़नेस चला रहे हैं पिछले 42 ईयर्स से, और 42 ईयर्स बैक उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ $200,000 थी, यानी कि वो बिका $200,000 में था, और अब रिसेंटली ये बताया जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी दोबारा बिकी है ओवर $40 million। तो ये वहाँ एज ए टेनेंट रह रहे थे, इमेजिन अगर ये 40 साल पहले उसे $200,000 में ले लेते, उनको $200,000 देने की ज़रूरत नहीं थी, उनको हार्डली 10-15-20% डिपॉज़िट देने की ज़रूरत थी। तो ये है ब्यूटी रियल इस्टेट की। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि आपको सर्टेन एग्जांपल्स जो है वो दें, आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएं जो ऑलरेडी इस प्रोसेस में पड़े हैं, काम कर रहे हैं, अपने उन्होंने साइकिल्स कम्प्लीट किए हैं, और इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। हम यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विल गेट बैक। अब हम चौधरी एजाज साहब के साथ हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत ही कम टाइम था इनके पास, क्योंकि ये कल US से आए हैं और आज शाम को इनकी फ़्लाइट है, ये टोरंटो से फ्लाई करके पाकिस्तान जा रहे हैं। तो हमने कहा हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि 45 साल का जो टोटल एक्सपीरियंस है उसको आपके सामने 5-6 मिनट में किस तरह जो है शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम एजाज, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जी? बस बिल्कुल ठीक ठाक। पहली बात तो थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, आपने बुलाया, मैं हाजिर हो गया। नहीं, थैंक यू, आई नो कि जी आपने ट्रैवल कल किया और अभी मेरे ख्याल में इस इंटरव्यू के फौरन बाद आपने एयरपोर्ट जाना है। जी हाँ। तो 45 साल का एक्सपीरियंस रियल इस्टेट में ज़रा अगर आप शेयर करेंगे मेरे व्यूवर्स के साथ, तो मेरे ख्याल में एंड ऑफ द इंटरव्यू वो कहेंगे कि ज़रूर आज हमने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस बंदे से हमने बहुत कुछ सीखा। तो अगर मैं एक बहुत शॉर्ट सेंटेंस में आपसे ये पूछूं कि ये रियल स्टेट है क्या? आगा, रियल स्टेट ज़िया भाई खुदा की मेहरबानियों में से एक मेहरबानी है। ये ज़मीन आप जो ख़रीदते हैं या घर जो लेते हैं, आप उस वक्त उसकी जो कीमत भी दे देते हैं, शायद वो आपको ज़्यादा लगती हो या कैसे, कुछ ही अरसे में उसकी कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं रहती उस कीमत की। आप उस घर को लेते हैं, उसमें रहते भी हैं, अगर रहते नहीं हैं तो उसको किराए पे दे देते हैं, हर वक्त उसकी कीमत बढ़ रही होती है। जो नहीं रख सकते हैं वैसे होती है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँगा, मुझे याद है मैंने इस्लामाबाद में एक मेरे भाई ने के हमारे एक फैमिली के लिए हमें एक घर चाहिए था, और उस वक़्त इस्लामाबाद बन रहा था शुरू में, तो वो 1000 गज़ की कीमत थी ₹11,000। ओके। और वो भी किस्तों में थी जी। आज वही ज़मीन, उस जगह को हमने बनाया, फिर हमने एम्बेसी को दे दिया, रेंट भी हमें कुछ ही साल के बाद तकरीबन 3 साल का रेंट एडवांस मिल गया। आज उस ज़मीन की कीमत जो हमें उस वक़्त पड़ी थी कोई 2 लाख के करीब, आज वो 15-16 करोड़ रुपए है। हाँ, तो आप ये वेरिएशन देखे कहाँ से कहाँ गई। इसी तरह हम लोगों ने एक और जगह ख़रीदी थी, कमर्शियल बिल्डिंग,
वो 7.5 लाख में ली और थोड़ा सा वो और ऊपर खर्च किया तो वो 10 लाख बन गए। इस 10 लाख में हमने उसे कोई 25 सालों में आगा रेंट भी लिया उसका, एम्बेसी को भी दे दिए एक वक्त में, फिर पिछले दिनों में HSBC बैंक को दिया, उससे 5 साल का एडवांस कराया लिया जी, और वही कराया तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए के करीब था। वो जो 10 लाख की बिल्डिंग है आज उसकी कीमत इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर 25-30 करोड़ रुपए से ऊपर है। अब आप बताएं दुनिया में कौन सा बिजनेस है जो ये देता है। उसके अलावा हमने एक फार्म खरीदा वहाँ पे और उस वक्त लिया हमने कोई 1.25 करोड़ का एक लिया और 1.50 लाख के लिया। आज वहाँ 2.5 एकड़ की कीमत जो है वो 8 करोड़ रुपए है। तो ये आप रेशो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कौन सा बिजनेस है। फिर ये है कि आपको हर वक्त उसके ऊपर बैठना नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, ठीक है, वक्त गुजर जाता है मगर उसकी कीमत दिन रात बढ़ती है। सही। तो मैं तो कहता हूँ बेहतरीन जो बिजनेस है वो ये प्रॉपर्टी का है, ये आपको हर मुश्किल वक्त में भी काम देती है। उसके अलावा मैं अभी अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मुझे कोई कुछ वजूहात की बिना पे कुछ अरसा काम नहीं करना पड़ा। सही। तो जो हमने कुछ ज़मीनें खरीदी हुई थी उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया और हमारा सहारा बनी। तो आप समझते हैं रियल एस्टेट मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ा दोस्त है, ये बहुत बड़ा दोस्त है, बहुत बड़ा दोस्त है। तो ये अभी आपने कहा कि उस वक्त जब आप प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको थोड़ा सा पिंच ये करेगी चीज़, तो हमेशा रियल एस्टेट के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी आप उसको ख़रीदने जाते हैं तो बहुत महंगा लगता है, लेकिन जब वक्त आप बेसिकली रियल एस्टेट ख़रीदने का मतलब ये है कि आप साथ साथ में वक्त भी ख़रीद रहे हैं और उस वक्त का आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो आपका तो माशाल्लाह 45 साल का ये एक्सपीरियंस है डिफरेंट पार्ट में, क्विकली मुझे ज़रा बता दें कैनेडियन रियल एस्टेट के बारे में आप क्या समझते हैं। आगा मैं ये कहता हूँ खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ आ गए, जिन्होंने यहाँ जायदादें ख़रीद लीं, एक दुनिया के बेहतरीन मुल्क में आ गए। मुझे पता है पाकिस्तान में क्या हालात हैं, किस तरह के वाकयात हो रहे हैं। हम लोग तो रश करते हैं उन लोगों पे जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की, बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं। तो आपके ख्याल में यहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना आगा सोचना भी नहीं चाहिए, एकदम लेना चाहिए। देखें बेचने वाले को कभी कोई मुबारकबाद नहीं देगा, हमेशा मुबारकबाद उसको मिलती है जो लेता है, लेता है। महंगा भी ले लें आप फिर भी वो सस्ता है, कुछ दिन वो बात लगती है, बाद में बहुत बात आगे बढ़ जाती नहीं, है। थैंक यू इजाज़ भाई, आपने बहुत ही ज़बरदस्त जो है बातें शेयर की और व्यूअर्स डेफिनेटली इससे सीखेंगे। वंस अगेन आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। नाज़रीन आपने देखा कि इजाज़ भाई ने जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने कहा कि जब बायर बेचता है तो उसको कोई मुबारकबादी नहीं देता, सेलर जो ख़रीदता है हमेशा उसे लोग कहते हैं कि मुबारक हो। दूसरा इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि अगर आपका कोई अच्छा साथी अच्छा दोस्त अगर हो सकता है तो वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है जो बुरे वक्त में आपको आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। यहाँ से हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, जस्ट स्टे विद मी। क्या आप लाहौर में किसी आइडियल लोकेशन पर रिहायश के ख्वाहिशमंद हैं? फिरोजपुर रोड और केनाल बैंक रोड से 2 मिनट की मुसाफत पर शाह जमाल रोड पर वाकया ग्रैंड लग्जरी अपार्टमेंट्स, जो दे आपके ख्वाबों को ताबीर। तो आज ही आइए ग्रैंड लग्जरी अपार्टमेंट्स, 4 फ्लोर पर मुश्तमिल खूबसूरत बिल्डिंग लिफ्ट की सहूलियात के साथ सिर्फ 38 अपार्टमेंट्स, 1, 2 और 3 बेडरूम के लग्जरी अपार्टमेंट्स, एयर कंडीशन रूम विद मॉडर्न किचन और बेहतरीन सहूलियात से मुजयन जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, बेसमेंट में 80 से 100 कारों की पार्किंग और वो सब कुछ जिसकी आपको ख्वाहिश थी। ग्रैंड लग्जरी अपार्टमेंट्स, खुशियों का एक नया जहां। कॉन्टैक्ट्स
प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। थैंक यू। रीफाइनेंस, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पेइंग योर एग्जिस्टिंग डेट्स और प्लान अ वेकेशन। देयर इज सो मच यू कैन डू विद द एक्विटी व्हिच इज सिटिंग एंड डूइंग नथिंग इन योर हाउस। कॉल मी टू डिस्कस योर ऑप्शंस। Welcome back. There are many advantages of considering the condominium lifestyle, but one of the top perks of living amongst the sky would of course be that of your potential views. Views are highly coveted these days, and it seems the taller our buildings are getting, the more enamored we're getting with the view. But before you decide you're going to buy a place strictly based on its potential skyline, you may want to do a little bit of research as to what's going on around the building. For example, if there's an open parking lot anywhere in your view line, rest assured there's going to be some sort of development happening in the near future. You may also want to check around to see if there are any notices for an application to build or future development. A little bit of research goes a long way in this case, and not only in obtaining the view, but preserving it. Back to you, Zia. नाज़रीन, आपने आज का एपिसोड देखा। बोर्ड पे मैंने कोशिश की कि स्केच करके आपको ग्रेटर टोरंटो एरिया के पॉकेट्स बता दूं और उनकी इम्पोर्टेंस बता दूं कि एक सबब दूसरे से क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसकी इवैल्यूएशन या उसमें इन्वेस्टमेंट आप जो है डिफरेंट एंगल से करेंगे, उनके रिटर्न्स भी वैसे होंगे। यूनिस हसन से हमारी बात हुई है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन जो बहुत दो खूबसूरत बातें हुई वो एजाज हुसैन साहब ने आपको इस एपिसोड में की। उनमें जो पहली बात की थी वो ये थी कि रियल स्टेट जायदाद एक ऐसी चीज़ है, ज़मीन ऐसी चीज़ है जो आपके बुरे वक्त में आपके ज़रूर काम आएगी। आपका अपना दोस्त, आपके अपने रिश्तेदार आपके बुरे वक्त में आपके शायद काम ना आए, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका रियल इस्टेट आपके ज़रूर काम आएगा। दूसरी जो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की वो ये की कि जब भी आप अपनी ज़मीन को, अपने जायदाद को, अपने रियल इस्टेट को बेचने जाते हैं तो मुबारकबाद आपको कोई नहीं देता। मुबारकबादी अगर आपको मिलती है तो वो ख़रीदने पे मिलती है, रियल स्टेट ओन करने पे मिलती है। अपने ईमेल्स हमें ज़रूर भेजें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।